उसाका का बल्ब ट्यूब रात की तारीखी को दिन की रोशनी में बदलने की सलाहियत रखने वाली टेक्नोलॉजी का हामिल बल्ब है मजीद तफ़ीलत देखते हैं इस रिपोर्ट में उसाका बल्ब और ट्यूब रात की तारीखी को दिन की रोशनी में बदलने वाली सलाहित रखने वाली टेक्नोलॉजी का हामिल बल्ब है उसाका बल्ब और ट्यूब पाकिस्तान का नंबर वन बल्ब है मुल्क में दस्तियाब लाता दीगर बिलों मुल्क में दस्तियाब लाता दीगर बल्बों के मुकाबले में उसाका बल्ब का नाम खरीदारों में सर फहरिस्त है उषाका बल्ब के चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर शमीम अहमद ने मेट्रोमन न्यूज ऐसी गुफ्तू करते हुए कहा की आज भी उषाका बल्ब सबसे ज्यादा फरोख होने वाला बल्ब है उनका मजीद कहना था की सर ये जो आपने कहा नार जा रहे हैं मैं तो कहता हूँ वो मुल्क के लिए नुकसान दे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं हमने तो मुल्क के लिए सब कुछ करना है मुल्क के लिए कुर्बानी भी देनी है सब कुछ करनी है इस वक्त मुल्क है तो हमें सब कुछ है या तो हमारा ये सिर्फ मकसद है हम पैसे के लिए काम करते हैं हम अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करते हम अपनी मुल्क आवाम के लिए कुछ नहीं करते मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए प्रॉफिट कमाना मकसद ये होना चाहिए सबसे पहले मुल्क की खिदमत की जाए फिर मुल्क की आवाम की खदमत की जाए और मुल्क के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ जो हमारी जो है ना हमारे जहन में क्या था हमारी लोगों के अंदर कि इम्पोट चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं हर एक के जहन में ये है इम्पोट चीज़ें इस्तेमाल करो हमारा सबसे पहले मकसद यही था हम लोगों के जहनों के से अंदर इम्पोर्ट चीज़ों का नाम निकालें अपनी पाकिस्तानी चीज़ हो अपनी पाकिस्तान की शनाख्त हो पाकिस्तान का नाम हो ताकि वो ये कह सकें यार पाकिस्तान में भी अच्छी चीज़ें बनती हैं पाकिस्तान में भी मीरी चीज़ें बनाने वाली कंपनियाँ हैं शमीम मैद का मजीद कहना था कि हमारा मकसद हमेशा से इस बात पर कायम है कि ख़रीदारों को धोखा देकर सामान ना बेचा जाए बल्कि अपनी साख को मार्केट में कायम रखते हुए अपनी मसनूआत को फरोख किया जाए तो हमने यही सोच पैदा था कि इसी सोच को रखते हुए हमने अपनी जो सारी उषाका की मसनूआत हैं वो पाकिस्तान के अंदर मुतारफ़ कराएं लाइटिंग से मुतक़ इसी तरह पी वी सी टेप पी वी सी टेप पहले बाहर का आता था अलहमद ला ब्रांड पाकिस्तानी ब्रांड है ओसाका की जितनी लाइटिंग है सारी पाकिस्तानी है तो अलहदुल्ला लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं उनके मुँह से यही निकलता है कि ओसाका वाकई में एक ब्रांड है एक मैार है क्योंकि क्वालिटी को मेयार को हमने सबसे पहले मद्द रखा आपने जो बात की इकनॉमिकल की जो सूरत हाल है वाकई में इक्नॉमिकल सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है अब इस इक्नॉमिकल सूरत हाल से हमने लड़ना है वही कामयाब होगा जो लड़ गया अगर मैं बाहर छोड़ के यहाँ से चले जाऊँ फिर मैं तो भगौड़ा हुआ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का मजीद कहना था बाजारों में फरोख होने वाले दीगर बल्बों के मुकाबले में हमें एक बरस की गारंटी देते हैं उनका कहना था की पार्लियामेंट की इमारत सदारती हाउस समेत मुल्क के मुतद होटलों और पेट्रोल पंपों को उषाका बल्बों से रोशन किया गया है जिनकी रोशनी में कोई कमी वाकई नहीं हुई है इस मौके पर खरीदारों का कहना था की एक वेल नोन ब्रांड है मार्केट के अंदर और जहाँ तक इसकी क्वालिटी को पाया गया अच्छा है रेगुलर यूज के अंदर हाउस होल्ड के अंदर ये इसकी ये इसकी बैटरी वैटरी जो है ना इसमें जितना वो करते हैं इसमें ना एमरजेंसी लाइट ज़्यादा जल्दी अभी ओसाका की ना ये यूँ अच्छी है कि वैसे तो हमें पहले पता ही नहीं था ओसाका का जमीम भाई को देखा तो ओसाका याद आ गया फिर जब से देख रहे हैं तीन चार साल से समझे हम अपने घरों में और पूरे चैम्बर में यही लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं देखिए पहले तो हम लोग ओसाका का नाम भी नहीं जानते थे लेकिन हमें तीन चार साल से हमने जब इस कंपनी को यूज किया और मैं तो अपने घर में एक एक बल्ब मेरा उसाका का उत और जैसे कि और किसी कंपनी का हम लेते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं बहुत जल्दी लेकिन इसकी एक तो लाइट बहुत अच्छी है और ड्यूरेबल भी है और लॉन्ग लाइफ है माई कराची नुमाइश में उषाका बल्ब का स्टॉल हॉल नंबर तीन में कायम है जहां हर किस्म के बल्बों और ट्यूब लाइट खरीदारों को खास रियायत पर फरोख किया जा रहा है कैमरामैन मैन जुनेद अस्लम के साथ बिलाल मेटवर न्यूज़ कराची